नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासत से निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए से एलजेपी बाहर हो चुकी है। बड़ा बयान आया है बीजेपी का, बीजेपी ने सख्ती दिखाई है एलजेपी के प्रति। दरअसल पूरा मामला जानते हैं, अनुराग के पास चलते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है स्नेहा, ये जो बड़ी खबर है कि अब एलजेपी को बाहर होना पड़ेगा एनडीए से। ये जो बड़ी खबरें आ रही है, अब जो एक बयान आया है सामने, उससे समझा जा सकता है स्नेहा कि अब जो है एलजेपी एनडीए से बाहर होगी। अब जो बीजेपी अध्यक्ष जो है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो नीतीश का नेतृत्व एनडीए में रहकर स्वीकार नहीं करेगा, उसे बाहर का रास्ता देखना होगा। ये बड़ा बयान सामने आ रहा है स्नेहा। बड़ा और संजय जायसवाल ने बयान दिया है, अब ये समझा जा सकता है कि एलजेपी को एनडीए से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा स्नेहा। तो बड़ा बयान संजय जायसवाल ने दिया है कि एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रखने को वाले को एनडीए में कोई जगह नहीं मिलेगा। तो संजय जायसवाल ने क्लियर कर दिया है कि लोजपा एनडीए से बाहर हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं लोजपा को बीजेपी पे भरोसा था, लेकिन बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार का दबाव काम आ रहा है। बिल्कुल, ये जो खबरें आ रही है स्नेहा, बताया जा रहा है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार ने यह शर्त रख दी थी कि अगर आगे बात होगी तो लोजपा को बाहर होना पड़ेगा। दरअसल जिस तरह से चिराग पासवान बार बार बयान दे रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तो नीतीश कुमार को यह नागवार गुजर रहा था। और नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने साफ तौर पर कह दिया था कि एलजेपी को बाहर करना होगा एनडीए से। और अब लग रहा है नीतीश कुमार की यह रणनीति काम कर गई है। और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें सामने आकर यह ऐलान करना पड़ा है कि जो नीतीश का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा, उसको एनडीए से बाहर का रास्ता देखना होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की स्नेहा। और ये जो है, ये बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का जो नेतृत्व लगातार जो नकार रहे थे चिराग पासवान, और बार बार बीजेपी को सहला रहे थे, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने की बात कर रहे थे, तो अब जो है चिराग पासवान को वो रास्ता नहीं, अब वो उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा एनडीए से। दरअसल संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, हम वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हैं बिहार के गठबंधन में, सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है, और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी। और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो संजय जायसवाल ने क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पे भरोसा नहीं रखने वाले को एनडीए में कोई जगह नहीं मिलेगी। हालांकि एलजेपी ने पहले ही ऐलान कर दी थी कि वो नीतीश कुमार मतलब एनडीए से बाहर हो रहे हैं। इस बीच आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये क्लियर कर दिया है। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, ये जो बड़ी खबर आ रही है, हम बार बार कर भी रहे थे इस बात पर चर्चा पिछले दिनों भी, कल भी हमने चर्चा की थी कि आखिर चिराग पासवान जो बार बार पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं और नीतीश को हर वक्त मतलब नीचा दिखा रहे हैं, हर वक्त उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये आखिर कैसे चलेगा जब चुनाव मैदान में उतरेंगे दोनों पार्टियां। जब कह रहे हैं चिराग पासवान कि हम पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, और एनडीए जहां बीजेपी साथ खड़ी है नीतीश कुमार के साथ, वो किसके नाम पर वोट मांगेगी? आखिर पीएम मोदी और नीतीश का चेहरा भी उनके साथ है। और अब जब चिराग पासवान इस तरह की बातें कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर खलबली थी, खासकर जेडीयू के अंदर। दरअसल सीटों का पेज भी इसी तरह से फंसा हुआ था, इसी वजह से फंसा हुआ था स्नेहा। ये बातें भी सामने आ रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार सख्त हो गए थे इस मामले पर, ये बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कह दिया था साफ तौर पर कि ये क्लियर करे एनडीए के अंदर चिराग पासवान नहीं रहेंगे, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। तो अब जो है, जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष आकर सामने ये बयान दिया है, उन्होंने कह दिया कि जिसे नीतीश का नेतृत्व सरकार स्वीकार नहीं है, वो एनडीए से बाहर का रास्ता देखेगा। स्नेहा, इसके पीछे ये भी बातें आ रही हैं कि आला कमान से भी बातें हुई हैं, तमाम बात तो कर ली गई है, उसके बाद आकर ये बड़ा बयान दिया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि अब एनडीए से बाहर का रास्ता देखना होगा एलजेपी को। एलजेपी जो सपना पाले हुए थे कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे फील्ड में, चुनावी मैदान में, अब वो संभव नहीं होगा स्नेहा।
इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है बिहार की सियासत की। तो बड़ी खबर बिहार की सियासत से बता रहे थे हम आपको कि किस तरह से संजय जायसवाल ने क्लियर कर दिया है कि लोजपा एनडीए से आउट हो चुकी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो दबाव था वो काम आ गया है और संजय जायसवाल को खुद आकर के ये ऐलान करना पड़ा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। हम दोनों को इजाजत दे, धन्यवाद।